हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवृ दीदीमन। सीटेट अगस्त 2023 एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जहां पर नया बदलाव देखने को मिला है। ऑफिशियल नोटिस हम लोग देखने वाले हैं। ये मेन वेबसाइट है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट की। तो यहां पर नीचे हम आएंगे पब्लिक नोटिस में। आज की ही डेट 1 अगस्त 2023 का पब्लिक नोटिस है। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं। ये जो है पब्लिक नोटिस इंग्लिश में दिया हुआ है और नीचे जो है वो आप आएंगे तो हिंदी में दिया हुआ है। मैं आप लोगों को हिंदी में पढ़कर सुना देती हूँ क्या जो है वो यहाँ पर बदलाव हुआ है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदकों जिन्होंने दिनांक 27/4/2023 से 26/5/2023 तक आवेदन किया था, परीक्षा शुल्क का भुगतान किया था, तो उनको सूचित किया जाता है कि अब जो परीक्षा होगी वो आपकी 20 अगस्त को है और ऑनलाइन मोड में ना होकर ऑफलाइन मोड में आपकी आयोजित की जाएगी। आवेदकों के प्रवेश पत्र जिसमें उनको आवंटित परीक्षा के शहर का उल्लेख है तो वो सीटेट की वेबसाइट जो है उस पर अपलोड कर दिए गए हैं। आवेदकों को यह सूचित किया जाता है क्योंकि सीटेट के लिए आवेदन करते समय उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा के अनुसार परीक्षा के शहरों का जो है वो चयन किया था, परंतु अब यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा रही है तो अब परीक्षा के शहर जो है वो बदल गए हैं। आवेदकों द्वारा अपने ऑनलाइन फॉर्म में दिए गए उनके वर्तमान पते के जनपद को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों के शहर के रूप में उनके वर्तमान पते के जनपद के नजदीक का परीक्षा शहर आवंटित किया है। आप लोगों ने जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपना जो होम एड्रेस लिखा है तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने परीक्षा केंद्र जो है वो बनाया है उसी शहर को, और नजदीक आप लोगों के जो है वो परीक्षा सेंटर जो है रहेगा। परीक्षा के शहर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र परीक्षा के समय के विस्तृत विवरण के साथ प्रवेश पत्र 18 को सीटेट की वेबसाइट जो है इस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने अभी जो नोटिस आया है इसमें जो है आप लोग डेट और सिटी यानी किस शहर में आपका एग्जाम होगा ये देख सकते हो। ये आपका प्री एडमिट कार्ड है, इसके बाद आपका फाइनल एडमिट कार्ड आएगा जहां पर आप लोगों का जो है किस स्कूल में सेंटर है वो आपको मालूम पड़ेगा। तो आप लोग अभी जो है वो सिटी देख सकते हो। और इन लोगों ने बदलाव ये किया है कि पहले जो है वो ऑनलाइन था, अब आपका ऑफलाइन पेपर होगा। इस वजह से आपका जो होम एड्रेस आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के एग्जाम सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो चलिए आगे जो भी आपका फाइनल अगर एडमिट कार्ड जैसे ही आता है मैं आप लोगों को सूचना करूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।